बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नहमदुहु व नसल्लु अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलन तरजान कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबी मिल्लतहुम। हजरात ग्रामी कदर, इस वक्त अर्ज फलस्तीन यहूदी जबर का इस्तेहसाल और इस्तीसाल का शिकार है। यहूद पूरी कुव्वत के साथ, सरकारी मशीनरी के साथ, तोप के गोलों के साथ, मशीन गन की गोलियों के साथ, मार्टर गनों के गोलों के साथ और मिसाइलों की बरसात के साथ मुसलमानों के तबके की नस्ल कशी के अंदर मसरूफ है। उनकी नस्ल कुशी के अंदर अपनी तमाम तर सलाहियतों को सर्फ किए हुए है। हजरात ग्रामी कदर, हम इस मौके के पर इस अमर का ऐलान करने के लिए आए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से महले फलस्तीन के साथ हैं, और ये बात बतलाने के लिए आए हैं कि वो किबला अव्वल जो अल्लाह तबारक व तआला के हजारों अंबिया का मस्कन रहा, और वो किबला अव्वल जिसके अंदर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की अमामत के फरीजे को अंजाम दिया था। हजरात ग्रामी कदर, उस किबला अव्वल के ऊपर यहूद के नापाक कब्जे को हम किसी तौर के ऊपर भी गवारा करने के लिए आमादा तैयार नहीं हो सकते। हजरात ग्रामी कदर, हैया अल सलाह, हैया अल फलाह की आवाज हर मस्जिद के सहन से बुलंद होनी चाहिए। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने फतेह मक्का के मौके पर बैतुल्लाह को बुतों से पाक करके इसको अल्लाह अकबर के नारों का मरकज व माहवर बना दिया, इसी तरह हजरत फारूक आजम ने किबला अव्वल को अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का मरकज व माहवर बना दिया। उसके बाद नसरानियों ने अपनी मुनज्जम फौजी कार्रवाइयों के जरिए किबला अव्वल को टारगेट किया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की लाखों रहमतें हों हजरत अमीर सलाहुद्दीन की कब्र के ऊपर कि जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से सलीबी जंगों के अंदर नसरानियों की ताकत को तोड़ा और बैतुल मुकद्दस को पंजा नसरानियत से आजाद करवाकर मुसलमानों के वापस दिलवा दिया। हजरत ग्रामी कदर, आज फिर तलवार हैदर की जरूरत है, आज फिर फारूक के रोब और दबदबे की जरूरत है, आज फिर सलाहुद्दीन की तड़प और लबक की जरूरत है। इंशाल्लाह हम सलाहुद्दीन के बेटे, हम अली अल मुर्तदा के फरजंद और हजरत फारूक आजम के फरजंद किबला अव्वल की आजादी के लिए अपने लहू का आखिरी कतरा बहाने के लिए तैयार हैं, और इंशाल्लाह यहूद के पंजे से बैतुल मुकद्दस को आजाद करवाने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हजरत ग्रामी कदर, हम मुकाम बाला को और हसन हुसैन खान साहब को इस बात का पैगाम देना चाहते हैं, फकत बयान को देना काफी नहीं है, फकत बयान के जरिए किबला अव्वल आजाद नहीं हो सकता, बल्कि आपको रास्ते इकदाम का अल्टीमेटम देना चाहिए। अगर आप मदीना की रियासत के हकीकी मानों में मुतवल्ली हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से फिर आपको यहूदियों के पंजे से अलकुदस के इलाके को आजाद करवाना चाहिए। खान साहब अगर इस फरीजे को अंजाम नहीं देते तो याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से इस नस्ल के अंदर से, उम्मत की माओ की कोख के अंदर से और उम्मत के जलील कदर बापों के यहाँ पर ऐसे बेटे पैदा होंगे जो इंशाल्लाह यहूद की मुरम्मत करके छोड़ेंगे और अहले फलस्तीन को इंशाल्लाह उनके जुल्म से आजाद करवा के छोड़ेंगे। हजरात ग्रामी कदर, क्या आप अलकुदस की बाजियाबी करिए और मजलूम फलस्तीनियों से सारे जज्बती के लिए बिताने अमल में आने के लिए तैयार है इंशाल्लाह? क्या आप किराए हैबर की तरह हजरत अली अल मुर्तजा की रिवायत को दोहराने के लिए तैयार है इंशाल्लाह? क्या उस सलीबी जंगों के अंदर हजरत सलाहुद्दीन के किरदार को दोबारा जिंदा करने के लिए तैयार है इंशाल्लाह? क्या आप फारूक आजम की जलगार को दोबारा जिंदा करने के लिए तैयार है इंशाल्लाह? इंशाल्लाह शब गुरेजा होगी आहिर जलवाए खुर्शीद से और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।